हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नई सरकार बनने की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी की संभावना जताई गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका के द्वारा चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। याचिका में कौन से मुद्दे उठाए गए हैं इसको लेकर याचिकाकर्ता के वकील ने पूरी जानकारी दी है। मेरे उस पिटीशन के दो मेन ग्राउंड है पर उसके सब्स्टिट्यूट ग्राउंड बहुत सारे हैं। पहला पिटीशन में ये है कि जो कांग्रेस पार्टी ने अपना 8 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें यह बोला गया कि 99% से 70% की बैटरी चार्ज पाई गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी जहां जहां बैटरी चार्ज हुई है वहां वहां हार गई। मेरा प्रश्न यह है कि और जगह पर जहां ईवीएम यूज थी वहां पर 99% या 99% से लेकर के 70% क्यों चार्ज नहीं हुई थी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसी के साथ में मैंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के भी डेटा को टैग करने की कोशिश किया है कि वहां पर भी इसी तरह की गड़बड़ियां की गई थी, साथ में लोकसभा में भी इसी तरह से पाई गई थी, ये भी था। दूसरा मैंने इसमें पिटीशन में यह भी चैलेंज किया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो उसके साथ में जो हमारा इलेक्शन होता है वो 5 अक्टूबर का है। 5 अक्टूबर को 7 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 7:25 पर पहली बार टर्नआउट डेटा अपलोड करता है। दूसरा टर्नआउट डेटा उनका आ रहा है 11:56 पर, जो डेटा उनको मिला हुआ है वो था 11:45 का, यानी एक पहले वाले डेटा को पब्लिश करने में 10 मिनट्स लगता है, दूसरे वाले को पब्लिश करने में उनको 20 मिनट्स का टाइम लगता है। पर सवाल यह है कि इसके साथ में मैं इमेज करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे भारत देश की बहुत सक्रिय रही और रात तक में पूरा इलेक्शन का जो लोग बूथ में रहे होंगे सबकी वोटिंग करा लिया होगा, पर उसके बाद नेक्स्ट 2.9% का जो डेटा है अर्थात जो 67.97 के आसपास जा रहा डेटा, वो 2% डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फॉर्म 17C जो एजेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्टिंग पार्टीज के जो मेंबर्स बैठे होते हैं उनके साथ जो दिया गया उससे वो मैच नहीं कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू हियर, दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिड नॉट कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन दिस हरियाणा इलेक्शंस एंड सिमिलरली हियर सेम थिंग इज हैपेंड इन द लोकसभा इलेक्शंस। तो आपका प्रेयर क्या है? मेरी प्रेयर सिर्फ दो है कि जहां पर सस्पेक्टेड ईवीएम्स हैं जो 100% से लेकर के 70% पाई गई हैं, उन सारे में कम से कम दोबारा चुनाव कराया जाए। और इसके साथ में मेरी दूसरी प्रेयर यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो 2.5% डेटा जो फॉर्म 17C से नहीं मैच कर रहा है वो कहां कहां का है उसको डिस्क्लोज करे, और यदि कोर्ट उसमें पाता है तो वहां पर भी विधानसभा दोबारा चुनाव कराया जाए।